3D सिनेमा पटना जू में अब आने वाले तमाम लोगों को पटना के जो जू है, जो जानवर है, जो पक्षियां हैं, उन्हें देखने के बाद अब 3D सिनेमा भी देखना होगा। और इसमें यह दिखाया जाएगा कि जो कीट पतंगे कहां से उनकी शुरुआत हुई और कैसे जिंदगी में पूरे जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे खुद से संघर्ष करने की जो कहानी है वो तब से लेके आज तक हजारों सालों पहले से लेके आज तक जो इंसान जिंदा है वह कैसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, खाने पीने के लिए जूझ रहा है। और वो लड़ाई है यानी कीट कैसे उड़ने वाले जो पक्षी बने और पक्षी से कैसे एक कीट बने, इन तमाम चीज़ों के साथ अब आने वाले समय में पटना जू में बड़े जानवर के साथ साथ मानव सभ्यता के बारे में भी दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि इतिहास क्या था और आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस इतिहास को जाने। तकरीबन 150 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, 11 करोड़ रुपये के लागत से या जो 3D सिनेमा हॉल बनाया गया है पटना जू के अंदर। तो लोगों से अपील है, न्यूज़ फॉर नेशन भी अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि जब वो पटना के चिड़ियाघर पहुँचे तो एक बार 3D सिनेमा देखने जरूर आए और इससे उन्हें यह पता चलेगा कि भविष्य में जब वो जा रहे हैं, जब इतिहास जो उनके बच्चे होंगे वो जानना चाहिए, हर उम्र के लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक पहुँचे हैं। गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना। आप सब लोग भी देखे है, आपने फिल्म देखा और इसको इसका निर्माण किया गया है, 11 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से ये तैयार हुआ है और उसमें ऐसी 3D फिल्में दिखाई जाएंगी, खास करके जो नई पीढ़ी के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, वो इन सब चीज़ों को देखेंगे तो कीड़ा चिड़िया सब के बारे में पूरी जानकारी, कब कैसे वो उभरा है, कैसे आगे बढ़ा है और किस तरह से लोग सर्वाइव करते हैं, दूसरे का को खा करके कैसे सर्वाइव करते हैं और उसमें जो एक के बाद दूसरी चीज़ें उभरती आ रही हैं, तो उसका एक संक्षेप में जो कुछ भी कुछ कीड़े और कुछ चिड़ियों के बारे में बताया तो इससे लोगों की अभिरुचि पैदा होती है इन चीज़ों के बारे में जानने की। और अब इसके बाद ये लोग थोड़ा पशुओं के बारे में भी लाएंगे और ये फिल्म बहुत महंगी फिल्म है लेकिन हम लोगों ने ये उचित समझा और ये माना कि भाई इन चीज़ों के बारे में नई पीढ़ी के लोगों को बताना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं उनकी बड़ी दिलचस्पी रहती है, वो जाएंगे पार्क में जाएंगे, उनको जो प्राकृतिक चीज़ है उसमें थोड़ी दिलचस्पी रहती है तो इस सिलसिले में उनका और ज्ञान बढ़े, इन चीज़ों से उनके मन में और आकर्षण बढ़ेगा तो प्रकृति के बारे में उनको पूरी जानकारी और होगी। तो इसका मकसद यही दिखाया जाए कि भाई किस तरह जी लाएंगे ये लोग, तो अभी जैसे ला रहे हैं, एक से शुरुआत किया अभी और लाने वाले हैं, तो इस तरह से हर क्षेत्र के बारे में बच्चों को, नई पीढ़ी के लोगों को जानकारी मिली। और हम तो चाहेंगे सिर्फ नई पीढ़ी के, क्यों पुराने लोग, इसलिए हम लोगों ने कहा कि कैबिनेट के सारे लोग चल करके देखिए, लोगों से अपील हम करते हैं कि लोग आकर के देखें। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो क्या करें सारा मोहब्बत में आ जाते हैं सर।
हम लोग को ऑर्डर नहीं देखने का सर, हम लोग को फ्लैश मत यूज़ करिएगा, स्क्रीन पे फ्लैश नहीं यूज़ करिएगा, उस पर मत यूज़ करिएगा।